इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर हिंसा में घायल पीडीपी के विधायक मोहम्मद खलील अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। उनका पुलवामा के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोहम्मद खलील उस वक्त घायल हो गए जब वो प्रदर्शनकारी और पत्थरबाजी कर रहे लोगों के बीच आ गए। आपको बता दें कि कश्मीर में हिंसा के चलते आज भी बंद है और पिछले 10 दिनों में लगातार कर्फ्यू जारी है। बात करेंगे हमारे संवाददाता मंजूर मीर से। मंजूर, अभी उनकी हालत कैसी है और किस तरह से वो घायल हुए? देखिए अमित, कश्मीर में आज 10वें दिन भी बंद और कर्फ्यू का सिलसिला जो है वो जारी है और दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में पीडीपी के जो विधायक है वो अपने काफले के साथ जो है श्रीनगर की तरफ आ रहे थे, लेकिन कर्फ्यू और प्रदर्शन के दौरान वहां पर लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा थी जो पत्थरबाजी कर रहे थे और उन्होंने एमएलए की गाड़ी जो विधायक थे पीडीपी के उसको निशाना बनाया, जिसमें पीडीपी के विधायक जो है उनके गाड़ी और उन पर कुछ पत्थर लगे हैं और वो घायल हो चुके हैं और तुरंत पुलिस ने जो है कार्रवाई करके प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया है और विधायक जो मोहम्मद खलील बंद है उनको अस्पताल में ले जाया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन खतरे से उनकी हालत जो है वो बाहर बचाई जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।